नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर देश प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। अभी अभी उत्तर प्रदेश के ललितपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां भैंस को लेकर दो सगे भाइयों में विवाद हुआ और एक भाई ने दूसरे भाई का मौके पर ही लाठी डंडों और धारदार हथियारों से कत्ल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ललितपुर के ग्राम अमरपुर में दो सगे भाइयों में भैंस को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते दोनों भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक भाई ने दूसरे भाई की लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। घटना में मृत व्यक्ति का नाम भैयालाल यादव पुत्र जालम सिंह यादव ग्राम अमरपुर बताया जा रहा है। यह घटना सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच होना बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को अपने संज्ञान में ले लिया है और पुलिस ने अपने स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम है, कहां पर घटना हो गई, क्या हो गया? अंजन यादव, ग्राम पंचायत महारा प्रधान। ये घटना हुई हमारे गांव में अमरपुर में। दोनों भाई भैयालाल और सापूलाल, भैयालाल की भैंस उनकी बाखर में बकरी में घुस गई तो उनने उसकी लड़की ने लाठी मारी तो इसने मना की कि क्यों तेने भैंस में लाठी मारी, क्या खा लिया है वो जानवर या का हो गया घुस गई तो वो बोले कहले गाली गलौज करने लगी। इसने उसको डांटा है कि क्यों थे गाली गलौज कर रहा हो और भैंस को मार दिया। उसने इसके बीच में उसका भाई साकूलाल और लड़का उसका वो शिशपाल और उसकी भूरी पत्नी साकूलाल की, तीनों ने लाठी कुल्हाड़ी लेके आन के वो भैया लाल में मारपीट करने लगे। मारपीट करने कुल सिर में कुल्हाड़ी लगी या लाठी लगी उससे, उसकी मृत्यु तो वहीं पे हो चुकी। उसके लड़कन हम मालूम पड़े भैया लाल के लड़के लेके अस्पताल आए, यहाँ पे डॉक्टर साहब ने रेफर झांसी कर दिया। वो रास्ते ही में वो तो थोड़ी सुमास थी, रास्ते ही में वो ख़त्म हो गया था। झांसी तक ले गए, झांसी से वापसी ले आके यहाँ अस्पताल में मोर्चा में रख दिया। आज पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए दरोगा जी ने भेज दिया है। किस बात पे विवाद हुआ था? इस बात पे विवाद हुआ था कि भैंस पे हो विवाद हुआ था, भैंस भैया लाल की भैंस बकरी में घुस गई, उसने मना किया है, इसलिए उसने मना किया तो उसको बच्चा शिशपाल गाली गलौज करने लगे। उसने मना किया, साकूलाल आया उसका बाप पिताजी, उसने उसको मारपीट कुल्हाड़ी से, तीनों लोगों ने उनने तीन चार लोगों ने कुल्हाड़ियों से और लाठियों से मारपीट, रोड पे गिर गया। उनके भाई लड़के आए भैया लाल के, इन लोगों ने तुरंत देखा उसको, तुरंत टैक्सी में रख के अस्पताल लेके आए। ये दुर्घटना रास्ते में कहाँ खत्म हुआ? खत्म तो वो मौके पे हो गया था, कुछ नहीं मुँह से नाक से। क्या नाम है, किस गाँव के, क्या घटना घट गई, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम जितेंद्र है और ग्राम अमरपुर के रहने वाले हैं, जिला ललितपुर है। और मेरी भैंस हार से आ रही थी, तो हार से उसके साथ फिलहाल के घर में घुस रही थी, उसने भैंस को मारा। तो मेरे पिताजी गए सो कहना उससे कही कि भैंस को क्यों मार रहे, तो वैसे ऐसे बोला सो भी हो रहे बोले सो, उनने दोनों बाप बेटा ने लाठी मार दी, साकूलाल ने और शिशपाल ने और भूरी ने और रजनी ने, चार लोगों ने मारा, एक कुल्हाड़ी मारी एक लाठी मारी, सो उतरेगी गिर गए, सब जमीन पर गिर गए, सो बस गैरहोश हो गए सब कहना पर हम देखा बस लेके भगाए, बाजार अस्पताल ले आए, बस ऐसा हो गया। उन्होंने लाठी और कुल्हाड़ी से मारा है। कहाँ पर ख़त्म हो गई थी? लाए तो अस्पताल ही तक है, अस्पताल से झांसी रेफर कर दिया, झांसी तक पहुँचे नहीं है, रास्ते में ही खत्म हो गया। क्या करते थे? किसान ही करते थे। ललितपुर थाना अंतर्गत ग्राम अमरपुर में एक भाई ने एक भाई को कल लाठी से इस बात पर मार दिया था कि उसकी भैंस उसके घर में आ गई थी, जिससे वो घायल हो गया था। दौरान इलाज इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, इसमें FIR दर्ज है और दो व्यक्ति जो उसमें उसका भाई है और भतीजा मृतक का, उनके खिलाफ FIR दर्ज है, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई, वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है। नवोदय प्रेस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट।